आज बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन का 47वां जन्मदिन है। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको अभिषेक की जिंदगी का एक ऐसा किस्सा बताने वाले हैं, जिसे खुद एक्टर कभी नहीं भूल पाए। वो किस्सा जब अभिषेक को एक महिला ने थप्पड़ मार दिया था। असल में अभिषेक के साथ बच्चन जुड़ा होने की वजह से उनकी पहली फिल्मों से ही दर्शकों को और पूरी इंडस्ट्री को अभिषेक से बेहद उम्मीदें थी। अमिताभ का बेटा है, कमाल ही होगा, इस धारणा के साथ लोग उनकी पहली फिल्म देखने गए थे। फिल्मी पंडितों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अभिषेक का करियर पिता अमिताभ की तरह ही रहेगा, लेकिन अभिषेक के कुछ गलत फैसलों ने करियर के शुरुआती 4 साल में ही उन उम्मीदों को ठंडा कर दिया। साल 2000 में फिल्म रिफ्यूजी के साथ करियर की शुरुआत करने वाले अभिषेक बच्चन की 2004 तक एक के बाद एक 20 में से 17 फिल्में फ्लॉप हुई। जी हाँ, 4 सालों में 17 फ्लॉप फिल्में। फ्लॉप फिल्मों के इसी सिलसिले में एक बार अभिषेक को एक महिला दर्शक ने तमाचा मारा। ये तमाचा अभिषेक को उनकी एक्टिंग के लिए पड़ा था। जी हाँ, अभिषेक बच्चन ने अपने संघर्ष की कहानी बयान करते हुए बताया था कि साल 2002 में जब फिल्म शरारत की स्क्रीनिंग हुई, तब अभिषेक बेहद मुश्किल वक्त से गुजरे। उस समय अभिषेक बच्चन को बच्चन होने पर अफसोस होने लगा था। अभिषेक को लगने लगा था कि कहीं उनकी वजह से उनके पिता का नाम और इज्जत खराब न हो जाए। हुआ ये था कि शरारत की स्क्रीनिंग में अभिषेक थिएटर पहुंचे ये देखने के लिए कि दर्शकों का उनकी फिल्म पर क्या रिएक्शन है। उस वक्त फिल्म देखकर एक महिला बाहर आई और सीधा अभिषेक को चांटा मार दिया। थिएटर में मौजूद हर किसी ने ये देखा और जूनियर बच्चन को सबके सामने जिल्लत का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, थप्पड़ मारने के बाद उस महिला ने अभिषेक से कहा कि एक्टिंग करना बंद करो, तुम अपने परिवार को एम्बैरस कर रहे हो। लेकिन अभिषेक ने उस थप्पड़ से सबक लिया और जूनियर बच्चन हारे नहीं। नतीजा ये रहा कि ठीक 2 साल बाद 2004 में अभिषेक की फिल्म धूम ने धूम मचा दी। इसके बाद जूनियर बच्चन ने ब्लफ मास्टर, सरकार, बंटी बबली और गुरु जैसी हिट फिल्में दी। अभिषेक बच्चन के नाम दिल्ली 6 और पा जैसी फिल्मों के बाद कई रिकॉर्ड दर्ज हैं, जिनमें से एक रिकॉर्ड फिल्म पा के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। अब जाते जाते इतना ही कहेंगे कि अभिषेक बच्चन उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो परिस्थितियों को विपरीत पाकर सिर्फ और सिर्फ आंसू बहाते हैं। जूनियर बच्चन ने ये साबित किया है कि मेहनत से वक्त को बदला जा सकता है। वेल, हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा बच्चन, आपको 47th बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।